स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट को किसी नॉन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ या हम उस कंपेयर करते हैं उसे कैलिब्रेशन कहते हैं, या जब हम फर्स्ट टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसकी जो मार्किंग करते हैं उसे भी कैलिब्रेशन कहते हैं। तो आज हम करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है कि दो हमारे पास जंक्शन होते हैं, एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन। तो जितना डिफरेंस हॉट और कोल्ड जंक्शन में टेम्परेचर का रहेगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसके अंदर ड्यू टू सी बैक इफेक्ट। तो वो सी बैक इफेक्ट के कारण इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी, उस ईएमएफ को हम इस वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर कर लेंगे और उस मेजर की हुई वोल्टेज को हम टेम्परेचर के अगेंस्ट टेबल बना लेंगे और उसको ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो लैब में अवेलेबल है तीन तरह के थर्मोकपल हैं। थर्मोकपल में क्या होता है, दो पार्ट्स में होता है, ये दो एलिमेंट्स से बना होता है, दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो इसमें दो एलिमेंट्स कह लो या कह लो कि एक मेटल एक नॉन मेटल या एक एलॉय दूसरा मेटल, किसी भी दो मटेरियल्स के जंक्शन से बनता है। तो उसका एक जंक्शन जो हीटेड एरिया होता है हमारा उसके अंदर रखा जाता है, ये हमारा हॉट जंक्शन है, यहाँ पे हमारे कोल्ड जंक्शन आएगा। तो ये हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट आएगा उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगी। तो ये हम जो इंस्ट्रूमेंट जो थर्मोकपल यूज कर रहे हैं वो है हमारा फेरो कॉन्स्टेंटान। तो ये कॉन्स्टेंटान एक एलॉय है और फेरस आयरन के साथ उसको हमने दो मटेरियल बना के उसका जंक्शन बनाया हुआ है। तो इसको हम इस चैम्बर में डाल देंगे, ये एक हीटिंग चैम्बर है, इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं और यहाँ पे एक हीट कप है जिसके अंदर ऑयल फिल किया हुआ है, उस ऑयल में हम इस थर्मोकपल को डिप कर देंगे। अब जब हम इसको डिप करेंगे तो इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इसका टेम्परेचर, इसके अंदर हीटर लगे हैं तो इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक नॉन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट को हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हमारा थर्मोकपल नॉन स्टैंडर्ड है, इस पे कोई भी मार्किंग नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमारा एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है जो हमें यहाँ पे उसकी रीडिंग देता है, जो ये पीवी लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके अंदर कितना टेम्परेचर है ये अभी यहाँ पे शो कर रहा है, 36.4 सेल्सियस इसके अंदर का टेम्परेचर है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये हीटर ऑन हो जाएंगे और ये हमारा टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 वोल्ट शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर और बाहर हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन में टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो अभी ये इसके अंदर हीटर ऑन हो जाएंगे, आप देखना कि 1-2 मिनट में ही ये टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, अब ये बढ़ के 37.5 तक 6 तक पहुंच गया, इस वजह से हमारी ईएमएफ जनरेट होनी शुरू हो गई है जो 0.1 थी अभी 0.2 हो गई है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बाहर के टेम्परेचर से उसका डिफरेंस बढ़ रहा है, तो उस डिफरेंस बढ़ने की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रही है, वो ईएमएफ हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो इस ईएमएफ का और इस टेम्परेचर का हम आपस में एक ग्राफ और टेबल बना सकते हैं जिससे हम एक कैलिब्रेशन चार्ट बना सकते हैं, फिर वो इस पर्टिकुलर थर्मोकपल के लिए वो कैलिब्रेशन चार्ट बन जाएगा। तो इस थर्मोकपल को हम कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाके यूज करेंगे तो वहां पे हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे यहाँ से कि ये कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उस वोल्टेज से हमें पता लग जाएगा कि इसके टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर हॉट जंक्शन का टेम्परेचर कितना है या हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से ये भी बढ़ता जाएगा। हम इसकी रीडिंग लेंगे रूम टेम्परेचर से लेके 2 डिग्री के गैप के बाद, हर 2 डिग्री के गैप के बाद इसकी रीडिंग लेंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 डिग्री से हम इसको रिवर्स कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे और टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा तो यहाँ पे हम
दोबारा रीडिंग नोट करेंगे तो वो हमारी रीडिंग एक लूप की तरह आएगी, जो हमारा हिस्टेरेसिस लूप बनता है, इस तरह से इंक्रीजिंग में जाएगा और इस तरह से डिक्रीजिंग में, तो वो हमारा एक हिस्टेरेसिस लूप के जैसे इसकी रीडिंग आएगी इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में। तो जैसे हम ईएमएफ और टेम्परेचर को हिस्टेरेसिस लूप बनेगा, इंक्रीजिंग में हमारे ये रीडिंग ऐसे जाएंगी और डिक्रीजिंग में ये इस तरह से रिड्यूस होंगी। तो इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।